दोस्तों, आपने अक्सर दुनिया के सबसे अमीर देशों के बारे में तो सुना होगा और इनमें से कुछ देशों के नाम आप जानते भी होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे गरीब देश कौन सा है और वहाँ रहने वाले लोगों की स्थिति क्या है? दोस्तों, दुनिया का सबसे गरीब देश बुरुंडी है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा है। ये देश इतना गरीब है कि यहाँ रहने वाले लोग गरीबी की वजह से मारे जाते हैं। इस देश को दुनिया का सबसे दुखी देश भी माना जाता है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इन्फोमेनिया। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे देश के बारे में जिसे दुनिया का सबसे गरीब देश माना जाता है, और जानेंगे कि इस देश में कैसे लोग अपने दिन गुजारते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों, बुरुंडी अफ्रीका का वाइल्ड हार्ट कहे जाने वाले द ग्रेट रिफ्ट वैली में स्थित है। ये देश एक लैंडलॉक देश है, जिसकी सीमाएं नॉर्थ में रवांडा, साउथ और ईस्ट में तंजानिया और वेस्ट में कॉन्गो से मिलती है। इस देश की टोटल पॉपुलेशन लगभग 1.2 करोड़ है, लेकिन इसका लैंड एरिया सिर्फ 27,834 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसकी वजह से इस देश में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। यहाँ के हर एक स्क्वायर किलोमीटर में लगभग 451 लोग रहते हैं। यहाँ की लगभग 14% पॉपुलेशन अर्बन है, तो बाकी के 86% लोग गाँव में रहते हैं। दोस्तों, ये जवानों का देश है। इस देश की आधी से भी ज्यादा आबादी 18 साल से कम उम्र की है, और देश के ज्यादातर लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। बुरुंडी का जीडीपी पर कैपिटा सिर्फ 270 यूएस डॉलर है, जो कि दुनिया के सारे देशों में सबसे कम है। आज की तारीख में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत लगभग 2800 बुरुंडियन फ्रैंक के बराबर है। इस देश की 70% से भी ज्यादा आबादी गरीबी रेखा के नीचे है। यहाँ के लोग इतनी गरीबी में जीते हैं कि इसे दुनिया का सबसे दुखी देश भी माना जाता है। यहाँ एक औसतन कामकाजी नागरिक की एक साल की इनकम करीब 180 यूएस डॉलर जितनी है, और माना जाता है कि इस देश में हर 3 में से एक व्यक्ति बेरोजगार है। इसके अलावा यहाँ के 90% लोग खेती पर निर्भर करते हैं। यहाँ की आधी से भी ज्यादा जमीन खेती के लिए योग्य मानी जाती है, लेकिन इसका एक छोटा सा हिस्सा ही उपजाऊ है, जो कि 1.2 करोड़ लोगों का पेट भरने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसीलिए यहाँ की आधी से भी ज्यादा आबादी लंबे समय से भुखमरी से ग्रस्त है, यानी उनके पास हर रोज पर्याप्त मात्रा में खाना नहीं होता है। दोस्तों, बुरुंडी में मेनली दो बड़ी एथनिक ग्रुप्स हैं, हुतू और तत्सी, और इन दोनों ग्रुप्स के बीच बहुत सालों से झगड़ा चल रहा है। दरअसल साल 1962 से पहले इस देश पर बेल्जियम का शासन था, और इसके बाद जब साल 1962 में ये देश आजाद हुआ तो उस समय इस देश के आर्थिक हालात ठीक ठाक थे, लेकिन साल 1993 से इस देश के हालात बदलने शुरू हो गए। साल 1993 से लेकर 2005 तक यहाँ की दो बड़ी एथनिक ग्रुप्स हुतू और तत्सी ग्रुप्स के बीच सिविल वॉर हुई, जिसमें लाखों लोगों की जान गई। इस वॉर ने बुरुंडी की इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद कर दिया, और धीरे धीरे ये देश गरीब होता चला गया। आज भी बुरुंडी में शांति और स्थिरता का अभाव है, और लोगों को बेसिक सर्विसेज जैसे बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा नहीं मिल पाती है। दोस्तों, गरीबी की वजह से इस देश में काफी बीमारियां भी फैली हुई है। यहाँ पर HIV एड्स एक बहुत बड़ा खतरा है। लोगों को पता ही नहीं है कि इस बीमारी से बचना कैसे है। साथ ही TB और मलेरिया जैसी बीमारियां भी फैल जाती हैं, और यही वजह है कि इस देश में हर साल बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। इसके अलावा इस देश में हर 20 में से एक की मौत कुपोषण और भूख की वजह से होती है। दोस्तों, बुरुंडी में बहुत ही कम टूरिस्ट जाते हैं, जिसकी वजह है इस देश का क्राइम रेट। ये देश टूरिस्ट के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। इसके अलावा बुरुंडी में करप्शन भी बहुत ज्यादा है। 2022 में हुई एक रिसर्च के अकॉर्डिंग बुरुंडी की करप्शन रैंक 171 आउट ऑफ 180 है। वैसे बुरुंडी में कुछ पॉजिटिव चीजें भी हैं, जैसे कि इसका कल्चर और हिस्ट्री। बुरुंडी के लोग नाच गाने के बहुत शौकीन होते हैं। यहाँ पर ड्रमिंग एक ट्रेडिशनल आर्ट है। बुरुंडी में लोग किरुंडी, फ्रेंच और इंग्लिश बोलते हैं। बुरुंडी का नेशनल फ्लैग रेड और ग्रीन कलर का है, और इसके सेंटर में 3 रेड स्टार्स बने हैं। ये 3 स्टार्स यहाँ के 3 एथनिक ग्रुप्स हुतू, तत्सी और तुआ ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों, बुरुंडी की दो कैपिटल सिटीज भी हैं, गितेगा सिटी जो इसकी पॉलिटिकल कैपिटल है, और बुजुम्बुरा सिटी जो इसकी इकोनॉमिकल कैपिटल है। बुरुंडी को साल 1996 में पहली बार ओलंपिक में खेलने का मौका मिला, और पहली बार में ही 5000 मीटर की रेस में यहाँ के एथलीट वेनुस्ते नियोंगावो ने गोल्ड मेडल जीत लिया था। हालांकि इसके बाद इस देश ने अब तक और कोई मेडल नहीं जीता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो?
हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।